तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम आ रखे हैं फॉरेस्ट में। यहाँ पे एक रोड आ रही है बीच में से, और ये जाती है जंगल के बीच में, जो खत्ते वगैरह होता है, जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं ना, जो खत्ते वाले होते हैं, जिनके पास भैंसे वगैरह होती हैं काफी ज्यादा, तो वो कैसे रहते हैं आज हम आपको दिखाएंगे वो। बाकी हम चलते हैं खत्तों में। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, वो ना जंगल के बीच में रहते हैं और काफी ज्यादा वहाँ पे जानवर आता है, जैसे टाइगर हो गया और भी बहुत सारे जो जानवर हैं, हाथी वगैरह, तो वो भी वहाँ पे आते हैं। कई खत्तों को भी तोड़ जाते हैं जो वहाँ पे लोग रहते हैं ना, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो चलिए आज पूछते हैं उनसे चल के कि कैसा कैसा उनके सामने जो है उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा खत। यह है दोस्तों 4 लाइन यहाँ का। अरे भैया, यहाँ तो गेट भी लग गया भाई। राहुल भाई, यहाँ तो गेट भी लग गया, VIP है ना। फिर यहाँ पे भैंसें जो हैं वो गड्ढों में कैसे नहा रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे गड्ढे बन रखे हैं काफ़ी बड़े बड़े, और भैंसें इनमें रहती हैं, अपना खाती हैं, पीती हैं, यहाँ ही मस्त रहती हैं ये देखिए। और चारों तरफ घना जंगल है देखिए। ये देखिए दोस्तों, भैंस है और ये गड्ढे में कितना मज़ा ले रही है ये देखिए। ये देखो, क्योंकि भैंसों को जो है ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं ज़्यादा, तो इसका भयंकर वाला जंगल स्टार्ट देखिए। अब यहाँ से है जानवरों का काफ़ी ज़्यादा खतरा, और यहाँ पे सांप वगैरह भी काफ़ी है दोस्तों। सही में हमको तो कई बार दिखे भी हैं यहाँ पे सांप वगैरह जो है ना, वो भी काफ़ी दिखे हैं, और हाथी वगैरह भी यहाँ पे। मतलब ये नीचे वाला ऊपर वाला जंगल नहीं है, ये नीचे वाला जंगल है, तो यहाँ पे बड़े जानवर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हाथी हो गई, नीलगाय हो गई, और भी जो है ना टाइगर वगैरह भी हैं, बट उस हिसाब से कम है, क्योंकि ऊपर वाले जंगल में ज़्यादा है और नीचे वाले में कम है। तो सामने देखिए दोस्तों, सूरज की रोशनी ऐसे पेड़ों के बीच में से निकल रही है जैसे यहाँ पे धुआं हो, बट यहाँ पे है नहीं धुआं, क्योंकि अभी जो सुबह सुबह का मौसम है ना, वो ओस जैसी है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोहरा वगैरह होगा, बट ऐसा नहीं है। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं। देखिए कितना मस्त लग रहा है ना एकदम, और यहाँ पे आवाज़ भी गूंज रही है, अगर मैं कुछ जोर से बोलूंगा ना तो काफ़ी दूर तक मेरी आवाज़ जाएगी। यहाँ पे सागौन के जंगल में ये देखिए, यहाँ पे पतली सी एक डंडी जैसी आ खाली है, और इस डंडी से ये आ रहे हैं देखो, और चारों तरफ सागौन ही सागौन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ये जो है सागौन के पेड़ है, जो सागवान होता है, जिसकी हम लकड़ी वगैरह बनाते हैं, ये चौकटे वगैरह हो गई, जो दरवाजे वगैरह हैं, ये पूरे जो है इसी लकड़ी से बनते हैं, और लोग जो है इस लकड़ी को काफ़ी ज़्यादा चोरी करते हैं, सरकार इसकी इजाज़त नहीं देती है, बट लोग क्या करते हैं, कई ऐसे लोग भी होते हैं कि चोरी करके ले जाते हैं, जैसे कोई पेड़ सूखा तो काट के ले गया घर में, फिर उसको बेच देते हैं, या कोई चौकटे वगैरह होती हैं वो बनवा लेते हैं, तो ऐसा ही है, फिर सरकार पकड़ लेती है उनको, फिर लट्ठे बजते हैं। दोस्तों जैसे हमने जो है सागौन का जंगल पार किया, इधर देखिए लिप्टिस का जंगल आ गया, इधर पूरा लिप्टिस, और ये देखिए ये मोर 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 5-6 इकट्ठे थे। अरे वाह, मज़ा आ गया। ऐसी चीज़ें अक्सर दिखते रहते हैं दोस्तों, तो मज़ा भी आता है, ऐसी चीज़ें जब दिख जाती है ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। फिलहाल हम चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हर मोड़ पे खतरा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई जानवर अब जंगल में आ रखा है, तो कोई ना कोई जानवर तो यहाँ पे होगा ही होगा, तो ध्यान से चलते हैं आगे की तरफ। बस ये है कि कोई बड़ा जानवर ना मिले यार, ये मोर वगैरह हैं ये दिखते हैं, अगर हाथी पाथी आ गया आगे से तो बस फिर हो गया। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे गड्ढे कितने बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे अभी दोपहर में जो है भैंस आएंगी यहाँ पे नहाने के लिए, जो मैं कह रहा था ना, ये नीचे जो गुजरों की भैंसें होती हैं, तो इन गड्ढों में आके नहाती हैं, और इनका मतलब कि जो पानी पीने का है ना वो यही है बस, और जंगल में ऐसे में कहाँ पानी मिलेगा, तो वो ना ऐसे करते हैं कि गड्ढे बना देते हैं ऐसे बड़े बड़े, ताकि जो है बारिश का पानी एकदम इकट्ठा हो जाए। और ये देखिए यहाँ पे अभी भी गड्ढे में है ना जो पानी भर रखा है, ये देखो, और ये गर्मियों में फुल हो जाता है, पता नहीं कैसे, गर्मियों में तो बारिश भी नहीं आती है। क्यों राहुल भाई, ये देखिए दोस्तों ऐसे जानवर आपको ऐसे घने जंगल में चरते हुए दिख जाएंगे हम। ये देखिए दोस्तों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कि जो है सारा का सारा ये नाला जो है ना, 3-4 नालों का एक नाला बन जाता है, तो नीचे आके ऐसी हालत हो जाती है। देखिए ये पूरी यहाँ से मिट्टी काट कूट के लेके गया है, और ये देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो हैं यहाँ पे गड्ढे बन गए हैं, देखो बाप रे, इतने बड़े बड़े गड्ढे, और ये वहाँ पे जाके तो कुछ ज़्यादा ही हो रखा है नुकसान होना। कितनी मिट्टी जाती होगी राहुल भाई नीचे को, अजीब ही हो रखा है यार, ये तो देखने में भी बड़ा वो लग रहा है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना पूरा का पूरा ये मिट्टी का जो है, यहाँ पे मिट्टी काट रखी है पानी ने, अब क्योंकि यहाँ पे तीन चार नालों का इकट्ठा पानी आ जाता है ना एकदम, मतलब ऊपर तो तीन चार नाले हैं और यहाँ पे आके वो पूरा जो है एक नाला बन जाता है, तो उस चक्कर में ना यहाँ पे पानी काफी ज्यादा आ जाता है, तो उस वजह से यहाँ पे जो है पूरा का पूरा एक तरफा देखिए कितना नुकसान कर दिया ये पानी ने। देखो इतने बड़े बड़े गड्ढे, ये पूरी मिट्टी बहा के ले गया नीचे की तरफ। देखो जब मैं पिछली बार आया था ना, तो यहाँ पे जो था ये पूरा जो नीचे की तरफ था, लेकिन अब यहाँ पे जो है ये आगे की तरफ आ गया। देखिए यहाँ पे कितना कटाव कर रखा है ये पानी का, देखो ये देखिए दोस्तों काफी ज्यादा नुकसान हो रखा है यहाँ पे, और ये नीचे जाके क्या तबाही करता होगा राहुल भाई, अगर यहाँ पे ये हाल है। अरे बाप रे दोस्तों, देखो कितना बड़ा गड्ढा कर दिया, बाप रे ये तो गजब ही हुआ बड़ा भाई, ओए गजब ही हुआ बड़ा यार, ये अपना चुना खान वाला हो गया, चुना खान वाला नाला है, और एक जो अपने वाला उधर को, ये सब नीचे, हाँ धनपुर वाला नाला जो है, ये सब इकट्ठे हो जाते नीचे आके और ऐसा हाल करते नीचे जाके, और तराई में क्या हाल होता होगा अगर हमारे यहाँ पे ये हाल है, तो ये तो चलो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे तो ऐसा होता ना जैसे दोस्तों बारिश पड़ी ना, अगर बारिश के 1 घंटे में अगर नाला आ गया, जैसे जैसे बहुत ज्यादा बारिश पड़ी अगर नाला आया, तो 1 घंटे में बिल्कुल साफ पानी, एक बूंद नहीं निकल पाएगी आपसे, अगर आप ढूंढना भी चाहोगे ना पानी की कहीं, तो एक बूंद नहीं मिलेगी आपको पानी की यहाँ पे। बट जहाँ पे यहाँ पे से जो पानी नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे जाके इतनी तबाही करता है ना, लोगों की फसलें सब तबाह कर देता है, और ये आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ये हालत है, तो नीचे क्या हालत होती होगी लोगों की, देखिए चारों तरफ से एक तरफा ही यहाँ पे तबाही फेर रखी है ये देखो। अब ये जैसे जैसे जब पिछली बार आया था मैं, ये काफी ज्यादा आगे था, और इस बार आया हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया यार गजब। चलो फिलहाल चलते हैं हम आगे की तरफ, अपने जो गुज्जर भाई हैं उनसे मिलके आते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ये है रास्ता देखिए दोस्तों, ये झाड़ी फाड़ी में से ऐसे जाना पड़ता है, अगर आप सोचो ना ऐसा हो जाए, ऐसी वीडियो बन जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है तब जाके कहीं एक वीडियो बनती है। और पूरी कितना प्यारा सा जानवर था ना यार, वो मुर्गा जो था वो भी नौला कितना फैल गया, ये इधर को देख तो, ये देख। और फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं गुजरों के अड्डे पे, और ये गलहरी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये देखो जाती हुई, ये देखो यहाँ पे जो है मतलब रहने की पूरी फैसिलिटी है, बट वही है ना यार जानवर का काफी ज्यादा खतरा होता है इधर, क्योंकि हाथ लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे जो है गुज्जर रहते हैं जंगल के बीच में देखिए, और ये पूरा जो है चारों तरफ से घिर रखा है जंगल जंगल में, और यहाँ पे जानवर का काफी ज्यादा खतरा है। वैसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे अगर दिन में इतने जानवर दिख जाते हैं, तो रात को यहाँ पे क्या होता होगा, बट यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से ही करंट की तारें हैं ये देखिए जो है, और ये देखिए बीच में अभी दो तीन जानवर खड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, बाकी चुगने गए होंगे ना इस वजह से। और ये देखिए पुराने ज़माने की बैलगाड़ी भी खड़ी है सामने, ये देखो अभी बैलगाड़ियाँ भी चलाते होंगे ये, क्या क्योंकि यहाँ पे जो है इनके पास सारी सुविधा होंगी, जानवर अब है ही बैल, तो दोस्तों इनके पास बैल की पूरी सुविधा होगी, तो इस वजह से उन्होंने जो है बैलगाड़ी रख रखी है। देखो सही है यार, बढ़िया है, लेकिन एक स्ट्रगल काफी ज्यादा करना पड़ता है इसमें। आ राहुल भाई आ जा, ये देखो और वो उनका रहने वाला है, ये देखिए सामने यहाँ पे रहते हैं ये लोग, इधर की तरफ सारा का सारा जो है एकदम मस्त है, वैसे एक बढ़िया है, कोई मतलब कि इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती होंगी ना यहाँ पे, सुबह सुबह जब उठता होगा ना वो जिनका ये है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स ही आती होगी यार, क्योंकि सुबह सुबह एक नेचुरल हवा जो है जंगल में, एक तो हम शहर में जैसे रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धूल लक्कड़ और ये प्रदूषण कितना होता है, यहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं है, एक तरह का एकदम शुद्ध वातावरण है यहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता होगा इनको, और शुद्ध ऑक्सीजन लेते होंगे ये। हाय वो देखो कौन आ गया, वो देखो कौन है, आ मेरी जान, नंगा घूम रहा है तू तो, है जानवर कहाँ गए सारे के सारे आज। अरे यहाँ तो पानी की व्यवस्था पूरी है, ये देखो दोस्तों यहाँ पे बोरिंग भी है,
ये देखो यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह है, ये देखो यहाँ पे ट्यूबवेल जंगल के बीच में देखो। वाह भाई वाह, यहाँ पे वो इंजन रख रखा है इन्होंने, वो इंजन चलाते होंगे और ये पानी निकलता होगा यहाँ पे जानवरों के लिए पीने के लिए। देखो ऐसे सोच रहा था नहीं होता होगा कुछ ऐसा, बट यहाँ पे जो है ये देखिए जंगल के बीच में बोरिंग कर रखा है। बाप रे मस्त है यार, जो भी है फिर यहाँ पे पानी की सुविधा सारी है तो फिर कहाँ दिक्कत है। बाकी राशन तो आ ही जाता है मार्केट से, एकदम सारा इकट्ठा ले आते हैं। और ये देखिए यहाँ से भी कुछ रास्ते हैं, उधर से भी रास्ता है, चारों तरफ से रास्ते रास्ते हैं। अरे नीरज भाई क्या बात, नंगे क्यों घूम रहे हो? बैठे तो अभी चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे भाई ने काफी अच्छे से समझाया, अभी कह रहे हैं 10 से 12 भैंसे जो है उनकी ब्याने वाली है और दूध भी हो ही जाता है ठीक ठाक सा, तकरीबन 1 से 1.5 क्विंटल के बीच में जो है उनका दूध निकलता है 12 भैंसों में से, ना 22 भैंसे, हाँ 22 भैंसों में से। तो अभी चलते हैं फिलहाल घर की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।